सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 858वीं जयंती के अवसर पर इस बार राइफल शूटिंग और टेनिस खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जयंती समारोह के अंतर्गत 23 मई को सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिला स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता चंदवरदाई नगर स्थित करनी स्पोर्ट्स शूटिंग रेंज पर आयोजित होगी। इसके आयोजन सचिव हिम्मत सिंह राठौर होंगे। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के मुकाबले होंगे। इच्छुक प्रतियोगी संपर्क कर अपनी प्रविष्टियां दे सकेंगे। इसके अतिरिक्त कुंदनगर स्थित राजपूत हॉस्टल में संचालित हिल व्यू टेनिस अकादमी के द्वारा 27 से 31 मई तक विभिन्न आयु वर्ग के मुकाबले होंगे। इसमें आयोजन सचिव राहुल चौहान होंगे। इस प्रतियोगिता में जूनियर, यूथ, सीनियर, पुरुष एवं महिला वर्ग की स्पर्धाएं होंगी। दोनों प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को 2 जून को सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की 858वीं जयंती के अवसर पर इस बार 2 खेलों की प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया। इसमें से प्रमुख रूप से टेनिस और राइफल शूटिंग है, जिसकी अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। सर्वप्रथम 23 मई को चंद्रवराई नगर स्थित स्टेडियम में के स्टेडियम के पास एकेडमी है, करनी स्पोर्ट्स एकेडमी, उसके तत्वावधान में एक दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें अलग अलग आयु वर्ग के मुकाबले होंगे। इसके आयोजन सचिव श्री हिम्मत सिंह जी राठौड़ होंगे। जिस किसी भी प्रतियोगी को इसमें भाग लेना है, वो वहाँ जाकर के करनी स्पोर्ट्स एकेडमी में जाकर के संपर्क करें और अपनी प्रविष्टि देकर के समय पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। दूसरी प्रतियोगिता इसी के क्रम में कुंदन नगर स्थित राजपूत हॉस्टल के अंदर संचालित हिल व्यू टेनिस एकेडमी, जिसके जो आयोजन सचिव हैं श्री राहुल चौहान साहब, उनसे कोई भी खिलाड़ी संपर्क कर सकता है। 27 से 31 मई तक 4 दिवसीय प्रतियोगिता वहां आयोजित होगी, जिसमें 8 आयु वर्ग के मुकाबले होंगे, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े हों, सीनियर हो, महिला हो, पुरुष हो, अलग अलग आयु वर्ग के मुकाबले आयोजित होंगे, जिसके लिए वहां जाकर के संपर्क किया जा सकता है। आप सभी की जानकारी के लिए कि इन दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 2 जून को सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में विजेता और उपविजेताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दे करके उनको सम्मानित किया जाएगा। आपका परिचय? विनीत लोहिया, आयोजन समिति का सदस्य।